अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कामरान रज़ा और आप देख रहे हैं द गेट इन टू टेक। तो आज की एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूं। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से एक यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं। जिस तरह ये मेरा चैनल है, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, इस तरह का चैनल हम 2020 में किस तरह से आसानी के साथ बना सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो मेन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा एक अकाउंट। गूगल का आप लोगों को अकाउंट चाहिए। तो सिंपली मैं आप लोगों को वेबसाइट गूगल क्रिएट करवा देता हूँ। अकाउंट ये वेबसाइट आप लोग देख रहे हैं, इसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में से जाना पसंद नहीं है इस लिंक के ऊपर, तो आप लोग सिंपली साइन अप लिखो गूगल में फॉर गूगल अकाउंट, तो वो भी यही पेज ओपन होगा। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी प्ले स्टोर का अकाउंट बनाया हुआ जिससे आप वीडियोज़ या एप्स वगैरह डाउनलोड करते हो, तो उसमें जो जीमेल अकाउंट की आप लोगों ने आईडी वगैरह लगाई हुई है वो भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, वो भी आप लोग यूट्यूब के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप लोग यहाँ से नहीं आना चाहते तो आप लोग सिंपली जब अपने यूट्यूब का पेज ओपन करोगे या यूट्यूब का चैनल ओपन करोगे और साइन इन की ऑप्शन होगी, तो साइन इन के ऊपर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे। मेरे तो पहले एक दो अकाउंट्स हैं वो शो कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरह का कोई इंटरफेस ओपन होगा। अगर आप लोगों के पास अपना कोई है अकाउंट पहले से बना हुआ तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, वो यहाँ पे आपका अकाउंट शो कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल नहीं करता तो वो यहाँ पे लिखें। और अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है तो सिंपल आप लोग क्या करें, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें, टू मैनेज माई बिजनेस के ऊपर ना करें, फॉर माई सेल्फ कर दें। बहुत अवकात नहीं, यहाँ पे पेरेंट की ऑप्शन आती है, चाइल्ड की ऑप्शन आती है, तो उसको नहीं करना, आपने माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे अपना नेम देना है, कोई भी फर्जी नेम भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोग जो भी आप लोगों का दिल करे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किंग जॉन जी, और ईमेल एड्रेस मैं लिख देता हूँ जी किंग जॉन जी, जी के साथ जी लिख के चेक करता हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को कोई भी पासवर्ड क्रिएट करना है तो मैं सिंपल एक पासवर्ड इसके ऊपर लिख देता हूँ, कंफर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोबारा टाइप कर देना पासवर्ड, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। सॉरी पासवर्ड गलत हो गया, तो सिंपली क्या करना है आप लोगों ने, मैं यहाँ पे ऊपर पासवर्ड दोबारा लगा देता हूँ, कंफर्म पासवर्ड दोबारा कर देता हूँ। ये दो स्टेप आप लोगों ने कि यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये अभी तक यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐट द रेट आप लोग पूरा इंक्लूड करें, तो बहुत अवकात ये ले लेता है। अगर ऐप एप्लीकेशन में चल रहा हो लेकिन ये वेब पे चल रहा है इसलिए उसने नहीं लिया। क्रिएट अ न्यू जीमेल इंस्टेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और ये देखें ये जीमेल का आ गया अकाउंट उसने ले लिया। तो सिंपल यहाँ पे वही क्लिक कर देना है जो किंग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। लोडिंग ले रहा है थोड़ी सी, जो हमने एंटर किया है वो अवेलेबल है, अगर ना होता तो आप लोगों को वहीं पर चेंज करना पड़ता। यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देते हैं, बाद रिकवरी ईमेल ऑप्शनल है छोड़ दें,
डेट ऑफ बर्थ फर्जी भी दे सकते हैं, लेक कोई भी दे देता हूँ। जेंडर आप लोग जो भी आप लोगों का जेंडर है वो आप लोग सिलेक्ट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद ये वेरीफाई करेगा फ़ोन नंबर, तो सेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, या आप नॉट नाउ के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, वेरीफाई कर लें। मेरे पास अभी उनका मैसेज रिसीव हो जाएगा, मैं जो ही मैसेज रिसीव होता है उसमें इंटर कर देता हूँ। मैसेज मेरे पास रिसीव हो चुका है, मैं इसके वेरिफिकेशन कोड इंटर कर रहा हूँ। वेरीफाई हो रहा है, उसके बाद यस आई एम इन के ऊपर क्लिक कर देना। ये आप लोगों के परमिशंस हैं जो आप लोगों से यहाँ पे यस करवाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन आप रीड करके उसके ऊपर एग्री कर दें। आप लोगों को सारा प्रोसेस बता रहा हूँ, कहीं भी कोई परेशानी किसी को। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, और वो जो अकाउंट है वो आप लोगों का जो भी नाम नेम से होने पे ऑलरेडी हो जाए, कि आप लोगों को वार्निंग वगैरह देगा यूट्यूब के हवाले से। जैसे कि आप लोग यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे जो आइकन बनेगा यहाँ पे ऊपर सब्सक्राइबर वगैरह शो कर रहा है, आप लोग सिंपल क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर क्लिक कर दें। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएटर चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएटर चैनल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से आप लोगों के पास नेम पूछेगा कि आप का बाय डिफ़ॉल्ट जो वहाँ पे नेम है वही आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है या चेंज करना है। तो मैं यही रहने देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और इसको क्या करता हूँ क्रिएट कर देता हूँ। ये बाद में भी ऑप्शनल होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा काम बिल्कुल रेडी हो चुका है। नो वीडियोस पर फाउंड फ़िलहाल कोई वीडियो नहीं है, इसलिए नो वीडियो यहाँ पे शो कर रहा है। ये क्लासिक में खुला है क्योंकि बाज़ औक़ात ये आप लोगों का जो है वो क्रिएटर स्टूडियो जो न्यू है उसमें भी ओपन हो सकता है, लेकिन प्रोसेस उसमें भी सेम ही होगा, उसमें कोई ज़्यादा मसला, सिर्फ इसके डैशबोर्ड का थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। अगर कंप्यूटर में आप लोग करते हैं तो जो है वो YouTube स्टूडियो में ओपन होगा, या अगर आप लोग यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो वो भी एप्लीकेशन में भी चल जाता है। तो यहाँ पे शो हो चुका है। अगर सिंपली आप लोग यहाँ पे अभी अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग अपनी कोई भी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। सिंपली अगर आप लोग इसकी बाकी सेटिंग और SEO के रिलेटेड जो होते हैं चीज़ें वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और किस तरह हम इसके ऊपर जो कस्टम होते हैं थंबनेल वो हम किस तरह से लगा सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, और उसको किस तरह से अनेबल करते हैं उसके क्या फंक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।